हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते थे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम स्टेप डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेज से हमें कैपिटल मिलती है, एक तो हमारा हो गया ओन फंड और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म डेट। ओन फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, और लॉन्ग टर्म डेट में हमारा आ जाएगा डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हम स्टेप के साथ साथ एग्जांपल भी देख लेंगे। सो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द सोर्सेज। सो दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द कैपिटल इज गिवन। सो रिटेन अर्निंग इज 25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 15,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट इज 50,000। सो टोटल कैपिटल इज 1,00,000। सो पहला स्टेप हमारा हो गया कि कैलकुलेट द टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो दिस इज द टोटल कैपिटल एंड दिस इज द कैपिटल फ्रॉम ईच वन सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स टू द टोटल कैपिटल। सो दूसरा क्या है, इसको हम बोलते हैं वेट ऑल्सो। क्या करना है हमें, ईच सोर्स का वेट फाइंड करना है। तो वेट कैसे फाइंड करेंगे कि रिटेन अर्निंग है 25,000 और टोटल कैपिटल है 1,00,000। तो वेट क्या होगा इसका, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट इज द वेट, 25%। दूसरे इक्विटी शेयर कैपिटल का वेट क्या हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 10%। सेम वे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 15%। एंड सेम वे लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज 50%। सो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ टोटल कैपिटल। सो ये सोर्स हो गया, ये हमारा कैपिटल हो गया और ये हो गया वेट। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। सो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स नहीं दिया गया है तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स को फाइंड करना पड़ेगा। हमारे एग्जांपल में ईच सोर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी दे दिया गया है, रिटेन अर्निंग का 10%, इक्विटी शेयर कैपिटल का 11%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 9% एंड लॉन्ग टर्म डेट का 6%। सो दिस थ्री स्टेप नंबर 3 इज ऑलरेडी गिवन बाय रेडी। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको इस सोर्स का क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 4। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टेप 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3। व्हाट इज द स्टेप 2, स्टेप 2 इज द वेट एंड व्हाट इज द स्टेप 3, इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस, that is weight multiplied by cost of capital, 10% multiplied by 25%, that is 2.5%, 11 multiplied by 10% is equal to 1.10%, 9 multiplied by 15% is equal to 1.35%, and 50% multiplied by 6 is equal to 3%. And next, what is the last step? Make the total of all this figure as step number 4. So you have to make the total of this all the figure, the total is 7.95%. So your weighted average cost of capital is 7.9%. This is also called as a hurdle rate. अगर कंपनी को अर्निंग करनी है तो इससे ज्यादा अर्निंग करनी ही पड़ेगी, वरना वो प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट नहीं होगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी नहीं होगी। सो दिस इज द कॉल्ड एज अ हर्डल रेट और से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमने एक वेट फाइंड की है। सो वेट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि बुक वैल्यू मेथड से वेट फाइंड कर सकते हैं और एक तरीका है मार्केट वैल्यू की तरह से वेट फाइंड कर सकते हैं। सबसे प्रिफरेबल तरीका है कि आप वेट मार्केट वैल्यू के हिसाब से फाइंड करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करो, लेकिन हमारे यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं और दोनों तरीके अपने एग्जाम के लिए यूजफुल है। सो सबसे पहले बुक वैल्यू में वेट कैसे निकालते हैं, अगर रिटेन अर्निंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व है सो ये हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी में इंक्लूड करना है। अगर हम बुक वैल्यू से वेट फाइंड करते हैं
तो रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व को वैल्यू ऑफ इक्विटी में इंक्लूड करना है। अगर मार्केट वैल्यू से वेट फाइंड करने हैं तो रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व को इंक्लूड नहीं करना है। वी हैव टू इग्नोर दिस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी हैव टू इग्नोर इट? बिकॉज इफेक्ट ऑफ दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा होगी, इसकी इफेक्ट ऑलरेडी आ गई होगी कि आपका जितना रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा होगा उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो उससे ज्यादा आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस रिजर्व एंड सरप्लस की इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट वैल्यू हम इक्विटी में आ गई होगी। सो उसकी वजह से अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट फाइंड करोगे तो आपको रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग को इग्नोर करना है। अगर बुक वैल्यू से फाइंड करोगे तो आपको ये तीनों को वैल्यू ऑफ इक्विटी में इंक्लूड करना है। नाउ वी आर गोइंग टू द एग्जांपल। सपोज एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 10.11%, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज 10%, देयर आर 50,000 शेयर विद द कंपनी एट हेल्दी फेस वैल्यू ऑफ 10। रिटेन अर्निंग 15 लाख का दिया गया है, आर इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग 15 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 50%। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज द मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, सो हाउ यू कैन फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज व्हाट? 50 × 50,000 शेयर, दैट इज माय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 25 लाख। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज, मेरी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, बुक वैल्यू पे 10 रुपीज है और 50,000 शेयर है, तो 10 रुपीज × 50,000 दैट इज 5 लाख। सो यहाँ पे रिटर्न अर्निंग दिया गया 15 लाख, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दी गई है 5 लाख, तो टोटल कितना हुआ मेरा 20 लाख। टोटल मेरी बुक वैल्यू कितनी हुई? 20 लाख। अब अगर मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आई 25 लाख, वो 25 लाख का प्रपोर्शन निकालूंगा इन बिटवीन इक्विटी एज वेल एज द रिटेन अर्निंग। सो हाउ आई कैन प्रपोर्शनेट दिस 25 लाख इनटू इक्विटी एज वेल एज द रिटेन अर्निंग? सो देयर आर वन मेथड, यू हैव टू बाइफर्गेट दिस 20 लाख इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग वर्सेस बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझ में आया? आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को दो पार्ट में बाइफर्केट करने हैं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी वर्सेस बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग, उसका प्रोपोर्शनेट लेना है। तो इक्विटी का वेट क्या होगा? 25 लाख × 5 / 20, दैट इज 5 लाख इक्विटी की बुक वैल्यू है और टोटल मेरी कैपिटल हो गए 20। सो 5 / 20 दैट इज 6 लाख 25,000। 6 लाख 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू दैट इज 25 लाख। सो मेरी मार्केट वैल्यू हो गया, का वेट हो गया 0.25। अब रिटेन अर्निंग का कैसे निकालेंगे? 25 लाख मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 15 लाख की बुक वैल्यू रिटेन अर्निंग की डिवाइडेड बाय 20 लाख की टोटल बुक वैल्यू। सो इसका आंसर आएगा 18 लाख 75,000। व्हाट इज द वेट? 18 लाख 75,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, दैट इज यू कैन से 0.75%। लेट अस, आई विल फाइंड आउट फॉर यू। सो दिस इज 0.75%। नाउ वी विल फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो यू हैव टू राइट डाउन सोर्स हियर, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। आई हैव टू राइट डाउन द वेट, दैट इज 0.25 एंड 0.75। आई हैव टू राइट डाउन द कॉस्ट, दैट इज 10.41 फॉर रिटेन अर्निंग, 10.41 for cost of equity and 10% is for cost of retain earning. You have to multiply W multiply by cost. So you will get the answer and make the total of this W multiply by cost. You will get your weighted average cost of capital, that is 10.10%. So in this way you can find out the weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital is also called as the hurdle rate. You must have to earn more than your weighted average cost of capital to get the profit, to get the wealth maximization at extra. So I hope you will understand this. Thank you.